बेसिकली मैं उस दिन के बाद मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ, एडिट भी नहीं किया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सुस्ती को हो गया कि मैं एडिट भी नहीं किया उस दिन के बाद, पेंडिंग था। अभी मैं एडिट करने के लिए बैठा हूँ, लैपटॉप भी ऑन कर दिया, अभी थोड़ा टेबल को ठीक कर लूँगा। सो उसके लिए वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कॉपी करके रखा है, अभी उसको सिर्फ एडिट करना है। अभी मैं एडिट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं मिलता हूँ आके। बेसिकली एक प्रॉब्लम कंटिन्यू होता जा रहा है, वो है मेरा जब भी मैं सॉफ्टवेयर से एडिट करने के लिए बैठता हूँ, फिल्मोरा सॉफ्टवेयर से एडिट करने के लिए बैठता हूँ, तो क्यों पता नहीं भाई, मेरा पुराना वाला सिस्टम में भी होता था, यहाँ पे भी होता है, इसमें अच्छा वाला रैम डाला हुआ है, अच्छा SSD डाला हुआ है, अगर मेरा हार्ड डिस्क रहता मतलब HDD रहता तो प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे SSD डाला हुआ है जो फास्टेस्ट है, तो उसके बावजूद भी ऐसा अटक जा रहा है, मतलब मैं एडिट कर ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा इतना सा इशू हो रहा है इसमें। सो मेरे को पता नहीं ये वाला ब्लॉग मैं रिलीज़ कर पाऊँगा कि नहीं। सो जो बन रहा है अभी जो वाला ब्लॉग, ये तो रिलीज़ होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि ये छोटा सा होता है, रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन मेरा कभी कभी इतना प्रॉब्लम आ जाता है ना, मेरे को अभी पहले सॉफ्टवेयर चेंज करना है, ये वाला सॉफ्टवेयर मेरे को चेंज करना है, और आप लोगों को अगर पता है कि कौन सा वीडियो सॉफ्टवेयर अच्छा है सो उससे मैं एडिट कर सकता हूँ, उसका वीडियो क्वालिटी अच्छा है, आप लोगों को अच्छा वाला वीडियो क्वालिटी मैं दे सकता हूँ देखने के लिए, सो प्लीज़ मेरा कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, मैं ऑब्वियसली डाउनलोड करेगा वो वाला सॉफ्टवेयर, डाउनलोड करके मैं एडिट करके देखेगा, अगर अच्छा हुआ तो मैं उसको कुछ ना कुछ गिव अवे करेगा मैं। बेसिकली हार्ड डिस्क एंड SSD में डिफरेंस क्या होता है, हार्ड डिस्क जो होता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, और SSD होता है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो नाम से ही पता चलता है कि कितना फ़र्क है, ठीक है, और आप जब हाथ पे लोगे ना दोनों अलग अलग हार्ड डिस्क और SSD को, तो SSD बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही मैंने देखा है बहुत ही हल्का होता है, लेकिन SSD ऑपरेट करना भी बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि SSD में बहुत ही अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, लेकिन मेरा ये वाला सॉफ्टवेयर क्यों रन नहीं हो रहा है मेरे को अभी तक पता नहीं चल रहा है। मैं अभी देख रहा हूँ कि कौन सा वाला ये अच्छा होता है, मैं यूट्यूब में भी देख रहा हूँ, अगर कुछ नया वाला मेरे को अपग्रेड कुछ मिल जाता है तो मैं ऑब्वियसली डाउनलोड करेगा, मैं उसको लेगा, मैं तो इसको पार्चेस कर लिया मैं फिर भी क्या बोलेगा, लेकिन हाँ मेरा आईफोन जो है आईफोन में भी चल रहा है, ये वाला फ़ोन में भी जो फिल्मोरा है वो भी चल रहा है, एकदम मतलब तगड़ा वाला चल रहा है, उससे भी एडिट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका ये नहीं हो रहा है, इसका भी पैकेज है, वैलिड पैकेज है, मेरा आईफोन का भी वैलिड पैकेज है, लेकिन क्यों नहीं चल रहा है मेरे को पता नहीं, इसका भी वैलिड पैकेज है लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ये मेरे को एग्जैक्ट। बेसिकली मेरे को अभी पुराना वाला जो मैं मेनलाइन पे रहने के टाइम जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से मैं एडिट करता था, मुआवे करके एक सॉफ्टवेयर है, मेरे को लगता है वो वाला सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए मैं डाउनलोड के लिए बिठा दिया है, डाउनलोड हो रहा है लेकिन टाइम दिखा रहा है 4 घंटा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा और कितना देरी तक होगा, कितना देरी तक मैं ब्लॉग रिलीज़ कर पाऊँगा, शायद से आज रात भी चलना पड़ेगा मेरे को एडिट करने के लिए वीडियो, पता नहीं। तो बेसिकली कुछ देर पहले मेरे साथ जो हुआ था, मेरा फटके तो मेरा हाथ में आ गया था, मेरा ये वाला जो वॉच है, मेरा स्मार्ट वॉच जो है, इसका क्या हुआ, इसका बैटरी हो गया ख़त्म, अभी मेरा हाथ में लगा हुआ था, सो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये सिग्नल देना बंद कर दिया, मतलब मेरा जो भी ये रहता है पल्स रेट रहता है, उसके बाद जो भी इसका सिस्टम होता है शुगर लेवल ये वगैरह सब कुछ ये मेंटेन रखता है। सो सडनली मैं ऐसे ही ये कर रहा था, वर्कआउट कर रहा था, तो मैं चेक किया, चेक करने के बाद मैंने देखा कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है, कंटिन्यू 3 बार क्लिक करने से वाइब्रेट रह रहा है, मतलब वाइब्रेट रह रहा है, उसका स्क्रीन चला गया है, लेकिन मतलब इतना डर गया कि अभी इसका स्क्रीन चला जाएगा तो यहाँ पे ऑन साइट नहीं होता है, अंडमान में ऑन साइट नहीं होता है, इसके लिए कोलकाता जाना पड़ेगा, फिर कोलकाता से वो लोग आएगा पिकअप करके लेके जाएगा, नया वाला देके जाएगा, यहाँ पे ऑन साइट नहीं होगा। सो मैं तो थोड़ा डर गया, फिर चार्ज में लगा, अभी थैंक गॉड मेरा वॉच फ़िलहाल के लिए ठीक है, नहीं तो मेरा तो हो गया था भाई, मेरा फटके हाथ में आ गया था, क्योंकि अगर इसका फटका लगता तो मेरे को भाई बहुत नुकसान होता। बेसिकली मेरा लैपटॉप जो है वो फुल्ली चार्ज हो चुका है, और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये वाला भी यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड मतलब इंस्टॉल भी हो गया है, शायद से ग्लिच हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दिखाई दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है लॉन्च करके ऑप्शन, सो अभी लॉन्च कर दूंगा तो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा, मतलब ये इंस्टॉल हो गया,
अभी मुझे पता नहीं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, इसका एडिट करने में, इसका एडिट करने के बाद इसका क्वालिटी व्यू कैसा आएगा, क्या आएगा। मैं एडिट करूँगा, वीडियो डालूंगा भी, लेकिन आप लोगों को बताना है कमेंट में कि इसका रिव्यू कैसा है, पहले की तरह आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो मेरे को कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा, कुछ और देखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये वाला इस्तेमाल करके देखता हूँ कि कैसा वीडियो रिव्यू आता है मेरे पास, उसके बाद मैं सोचूंगा कि दूसरा कुछ। नहीं तो फिलहाल के लिए ऐप का जो गेस्चर है, फ्रंट व्यू जो है, वो तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि एक मतलब नेक्स्ट लेवल वाला लग रहा है। लेकिन अभी मेरे को फ़िलहाल पता नहीं है कि कैसा है, इससे पहले मैंने ये यूज़ किया है, लेकिन अभी ये शायद से लग रहा है मेरे को बहुत ही अपग्रेड हो चुका है। तो पहले मैं एडिट करूँगा, मैं खुद देखूँगा इसको मेरा फ़ोन में चला के, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डालूँगा, पहले मैं देखूँगा खुद। सो फिलहाल रेडी हो चुका है, अभी मैं एडिट पर बैठूँगा, एडिट कर लेता हूँ पहले, शायद से इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। सो अभी तो अंधेरा हो चुका है, मतलब रात हो चुका है, अभी रात का 10 बज रहा है। सो अंडमान का अभी जैसा वेदर है, मतलब पूरा फॉगी वेदर हो गया, ऐसा वेदर तो मैंने आज तक नहीं रखा है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। अभी अंधेरा होके रखा है करके दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फॉगी वेदर है। कैमरे का क्वालिटी थोड़ा लो है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पूरा फॉगी वेदर है। सो बेसिकली यही होता है मैरिड लाइफ। अभी हम लोग खाने के लिए बैठेंगे, उससे पहले हम मतलब मेरा काम जो ड्यूटी है, मेरे को घर को झाड़ू लगाना है। ऐसा नहीं, प्यू भी डिवाइड कर लेता है, वो अभी खाना पका है, वो अभी काम कर रहा है, किचन क्लीन कर रहा है, और मेरे को अभी ये वाला ड्यूटी मिला है कि घर को साफ करना है। तो मैं घर को साफ कर रहा हूँ, किचन को भी साफ क्यों करूंगा। क्यों वो बताओ, क्योंकि मैंने खुद किया है गंदा, हाँ वो तो मैंने गंदा किया। मैं हाँ, बोल रहा हूँ कि हाँ मैं जब किचन में जाता हूँ ये तो मैं हालत कर देता हूँ किचन व्यूअर्स का, को ये भी ऐसा बताना ऐसा है। ऐसा 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 मैं हालत कर देता हूँ, पूरा एकदम गंदा कर देता हूँ मैं जब किचन में आता हूँ। सो साफ वो करता है तो मैं भी थोड़ा थोड़ा उसका भी हेल्प कर देता हूँ, दोनों रहते हैं तो दोनों हाथों हाथ दोनों कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। सो बेसिकली झाड़ू देने का काम खत्म हो गया, अभी उसको यहाँ पे रख देते हैं घर के बाहर, क्योंकि घर के अंदर झाड़ू रखना मतलब वो वास्तु शास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है। सो हम घर के बाहर रखते हैं उसको, घर में नहीं रखते। सो ये मेरा बैलकॉनी एरिया है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, वो साइड में मेरा झाड़ू घर पोछा वगैरह सब कुछ मैं वहीं पे रख देता हूँ, क्योंकि घर के अंदर ये सब रखना नहीं चाहिए। सो फिलहाल अभी तक तो एडिटिंग ठीक ही चल रहा है, मैं अभी एडिट कर रहा हूँ अभी कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा घर का काम, थोड़ा थोड़ा एडिटिंग। तो मेरे को जितना लग रहा है कि नॉर्मल जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है वैसा ही बहुत ही अच्छा है एडिटिंग। सो बेसिकली मेरा जो ब्लॉग है, ब्लॉग यहाँ पे एडिट हो रहा है, मतलब एडिट हो गया सब कुछ, अभी ये डाउनलोड हो रहा है, अभी ये वाला सब कुछ हो जाएगा, MP4 फ्लाइट फाइल में आ जाएगा, उसके बाद मैं अपलोड कर दूँगा, क्वालिटी अच्छा है। और फिलहाल हम लोग अभी डिनर के लिए बैठे हैं। सो डिनर में हम लोग आज रोटी और यहाँ पे चिकन है, अभी बहुत भूख लग रहा है, मैं पहले डिनर कर लेता हूँ और वो तो एडिट हो जाएगा, मैं रात तक वो डाल दूंगा, कल सुबह तक आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा देखने के लिए। सो देखो उसको, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो सबके साथ, और मैं अभी वीडियो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर कल का मैं ऐड कर दूंगा कल का वीडियो इसके साथ में, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ही छोटा हो गया। सो बेसिकली और एक दिन का शुरुआत हो चुका है, कल रात को हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। सो अभी मैं उठा, अभी हम लोग को जाना है, हम लोग का ऑफिस ट्रेनिंग है मेरा, अभी से प्यू का नहीं, मेरा ऑफिस में ट्रेनिंग है, सो वहाँ पे जाना है मेरे को। सो उससे पहले मैं प्यू के लिए यहाँ पे चावल पका रहा हूँ, ये वाला पक जाएगा और मैं नहाने के लिए जाऊँगा अभी। सो मैं नहा लेता हूँ, फ्रेशन अप हो जाता हूँ, 9 बजे तक मेरे को वहाँ पर जाना है, और अभी बजे है 8, मतलब 1 घंटे के अंदर मेरे को वहाँ पर पहुँच जाना है। सो मेरे पास अराउंड 45 मिनट्स है, उसमें ये तो शायद से आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट्स लगेगा ये पक जाने के लिए, और मेरा नहाने के लिए भी 10-15 मिनट लगेगा। सो मैं फटाक से जाता हूँ, नहा लेता हूँ, पहले रेडी हो जाता हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगा। सो बेसिकली मेरा नहाना हो गया है कंप्लीट, पूजा देना हो गया है कंप्लीट, मेरा खाना मतलब चावल जो पकाया था वो हो गया है कंप्लीट, और मैं ड्रेसअप करके पूरा का पूरा रेडी हुआ अभी ऑफिस जाने के लिए। सो मैं फिलहाल ऑफिस जाऊँगा, तो बेसिकली अभी अभी मैं घर आया। सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 बज रहा है, मेरे को 5 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट में मेरे को निकलना होगा,
सिर्फ मैं ऊपर वाला चेंज करूँगा, नीचे वाला तो ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला चेंज करूँगा, मैं निकल जाऊँगा चिड़िया टापू। आज डेफिनेटली हम लोग चिड़िया टापू जा रहे हैं, सो फटाफट मैं रेडी हो जाता हूँ। मैं हो गया फुल रेडी एकदम फटाक से, अभी पूरा ड्रेस ऊपर नीचे वाला चेंज करूँगा सोचा था, मतलब चेंज नहीं करूँगा सोचा था, तो मैं फाइनली चेंज भी नीचे वाला भी चेंज कर लिया। अभी जूता पहनूंगा रेडी, मैं प्यू कर लेता हूँ, फटाक से निकलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, 3-5 हो गया, 5 मिनट बोला था, एकदम टाइम का पक्का भाई, 5 मिनट ही लिया रेडी होने। तो बेसिकली मैंने ताला वगैरह लॉक कर दिया, अभी प्यू को लेने जाना है, प्यू जहाँ पे है वो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, ओके ड्रेस को लेने जाना है, लेके वहाँ से डायरेक्टली मैं निकलूँगा जहाँ से 35 किलोमीटर 40 मिनट्स लगेगा मेरे को जाने में। सो बहुत ही लॉन्ग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सिर्फ देखो आप लोग। पिकअप जो है वो 40 अराउंड में रख रहा हूँ, बहुत जाना चाहिए मेरे पास। सो बेसिकली ऑलमोस्ट हम लोग रीच हो चुके हैं, मतलब ये जगह का व्यू तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मैं बोल नहीं सकता कितना अच्छा लगता है। मैं बहुत दिन के बाद करीबन 2 साल के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जंगल के अंदर से जो रास्ता है ना, माय गॉड सच में ये वाला रास्ता पूरा अलग है, और भी व्यू मिलेगा, अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा, और भी जितना अंदर जाऊंगा उतना अच्छा अच्छा, अभी तो उतना व्यू शुरू भी नहीं हुआ, इससे बात कर लूँ और भी अच्छा। मैं जा रहा था वो वाला स्पीड एकदम परफेक्ट था, 3:30 बजे निकलने से अराउंड 30-40 रखने से काफ़ी है, काफ़ी मतलब आप पहुँच जाओगे एग्जैक्ट टाइम पे, लेकिन वो बाइक के लिए, फोर व्हीलर के लिए नहीं, क्योंकि फोर व्हीलर का जैम यहाँ पे लग जाएगा। अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि मैं चल सकता हूँ, लेकिन अगर ये खुला रहता, गेस्ट का रश रहता, तो भाई बहुत ही मुश्किल है पहुँचने, बहुत। शुरू होगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड में समुंदर और राइट हैंड साइड में जंगल, मतलब वो वाला व्यू तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। अभी मैं बोल रहा हूँ व्यू का हालत देखो कैसा लग रहा है, वो एक्साइटेड हो गया, मतलब मैं तो 2 साल के बाहर आ रहा हूँ, मेरे को कितना एक्साइट हो रहा है मैं तो बोल नहीं सकता। अभी दिखा रहा हूँ मैं कैसा लग रहा है,
बेसिकली ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह का नाम है सीपी घाट। ये वाला जगह का जो जब यहाँ पे सुनामी आया था तो बहुत बहुत इफेक्ट हुआ था यहाँ पे, मतलब बहुत इफेक्ट किया था यहाँ पे, टूट बहुत कुछ इफेक्ट हुआ था यहाँ पर, ये हो गया, बहुत इशू हुआ था यहाँ पे। लेकिन बाकी पोर्ट ब्लेयर में उतना इफेक्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे इफेक्ट हुआ था यहाँ पे। गाड़ी का स्पीड मैं मेंटेन करके ही रख रहा हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड मेंटेन करके रख रहा हूँ, जो रखना नहीं चाहिए। फिलहाल अभी पुलिस नहीं है करके मैं चला रहा हूँ, अगर रहता तो मेरा फाड़ देता भाई आज, मेरा चालान मार के मेरे को फाड़ देता आज। ये राइट साइड पूरा नारियल का पेड़ और लेफ्ट साइड में पूरा समुंदर एंड समुंदर पूरा का। तो बेसिकली जिनको पता नहीं है कि अंडमान का इनकम ऑफ सोर्स क्या है, अंडमान का इनकम ऑफ सोर्स है नारियल पेन एंड सुपारी। ये नारियल और सुपारी यही है यहाँ का इनकम ऑफ सोर्स, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा नारियल होता है, वो भी नारियल जो किंग कोकोनट बोलता है वो वाला यहाँ पे ही मिलता है और कहीं पे नहीं मिलता है, यहाँ पे ही होता है वो वाला। सो यहाँ पे इनकम ऑफ सोर्स वही है नारियल और सुपारी। चिड़िया टापू और यहाँ से 4 किलोमीटर, और ये वाला जो रास्ता है रिजर्व फॉरेस्ट है, मतलब पूरा फॉरेस्ट के अंदर से। यहाँ का टेम्परेचर अभी पकड़ लो, मेरे को जितना फील हो रहा है गाड़ी चलाने के टाइम करीबन 16-15 ऐसा फील हो रहा है, और व्यू जो है ऐसा वाला व्यू है यहाँ। Thank you.
बेसिकली यही है सनसेट पॉइंट जो है, यहाँ से ही सनसेट दिखता है बहुत ही अच्छा। जब सनसेट होगा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा दिखता है। बेसिकली ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला जुगाड़ वाला रास्ता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, वहाँ से एक रास्ता है जो वाला स्ट्रेट आता है, यहाँ पे गेट है वहाँ पे, वो गेट से ये वाला बीच पे आ सकते हैं। लेकिन ये वाला बीच पे पानी में जाने का परमिशन नहीं रहता है, ये वाला थोड़ा बहुत आप जा सकते हैं लेकिन पूरा नहीं जा सकते। सो यहाँ पे आने का परमिशन भी नहीं था क्योंकि लॉकडाउन था। फिर हम लोग ने जुगाड़ कर लिया, करके अंदर आ गया, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, पुलिस वाले ने बोल दिया कि भाई 5-10 मिनट फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाना है तो जाओ करो आ जाओ। सो फटाफट में आया वीडियो। सो ये वाला है ओरिजिनल चिड़िया टापू सनसेट पॉइंट, जो वाला बहुत ही फेमस है। बेसिकली ये वाला जो गेट है, ये वाला गेट है ओरिजिनल गेट, यहाँ से गाड़ी आ सकता है, आके यहाँ से जा सकता है। जाने के बाद यहाँ पे गाड़ी रुका रहता है। इसके बाद एक रास्ता है जो जाता है सुसाइड पॉइंट, बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जाके फोटोजेनिक मतलब फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो वहाँ जाके, इतना अच्छा पॉइंट है वो। और अभी हम लोग जहाँ से आए वो वाला जुगाड़ वाला पॉइंट है, मतलब वो आने का परमिशन नहीं रहता है, फिर भी हम लोग पुलिस वाले को बोल के परमिशन लेके हम लोग अंदर आ गए। यहाँ पे जितना भी आए वो वैसा ही करके यहाँ पे लोग आ रहे हैं वहाँ पे। क्यों पता नहीं ये वाला होता है मेरे साथ, मतलब मेरा ये जो कैमरा है, 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था मैं भाई ये वाला कैमरा लेके यहाँ पे आया था, लेकिन तभी भी मेरा बैटरी में चार्ज नहीं था, आज भी मेरा वैसा ही हालत है। क्यों ऐसा होता है मेरे को अभी भी पता नहीं, ये वाला क्यों होता है, तभी भी मैंने चार्ज नहीं किया, आज भी मैंने शायद से चार्ज नहीं किया, इसलिए होता है। क्या नीचे उतरना है? देखो मैं खुद बताता हूँ कि नीचे उतरना नहीं, और मेरा बीवी खुद उतरता है नीचे, अभी इसके लिए मेरे को उतरना पड़ेगा, अभी कुछ बोलेगा बीवी के लिए सुनना पड़ेगा, अभी क्या बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन आप लोग उतरना मत आने के बाद, जिसका परमिशन नहीं उसका परमिशन नहीं है, हम लोग जुगाड़ करके आया करके थोड़ा उतर रहे हैं, लेकिन फिर से भाग जाएंगे ऊपर, ज़्यादा उतरेंगे नहीं नीचे।